नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। 2019 के विश्व कप में तीन ऑलराउंडर्स की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और इन तीन खतरनाक ऑलराउंडर्स में से एक भारत का भी है, जिसका नाम है हार्दिक पांड्या। हार्दिक भारत के उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिस पर सभी टीमों की निगाह रहेगी, क्योंकि पांड्या जब टीम में रहते हैं तो टीम काफ़ी मजबूत नजर आती है। पांड्या अपनी बल्लेबाजी से तो कमाल करते ही हैं, साथ ही गेंदबाजी से भी विरोधी टीम को झटका देने की काबिलियत रखते हैं। इस विश्व कप में कप्तान कोहली अगर चाहें तो हार्दिक का तीसरे गेंदबाज के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाज के रूप में भी पांड्या विश्व कप में कारगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि हाल ही में मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा ने भी उन्हें इसी तरह से यूज किया था और रोहित कामयाब भी हुए थे। पांड्या की बल्लेबाजी शैली बेशक स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों की तरह ना हो, लेकिन डेथ ओवर में भारत को उनकी तूफानी बैटिंग बहुत काम आ सकती है। निगाह जमने पर पांड्या लंबी पारी भी खेल सकते हैं। एक खासियत और भी है कि पांड्या ने इस आईपीएल में धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट को लगाने की भी महारत हासिल कर ली है। पांड्या ने आईपीएल में शॉट को बखूबी इस्तेमाल भी किया। पांड्या में किसी भी लेंथ की बॉल पर बाउंड्री लगाने की भी अद्भुत क्षमता है, तो ये कहा जा सकता है कि पिछले कुछ समय से पांड्या एक परिपक्व खिलाड़ी के रूप में उभरते दिख रहे हैं। आईपीएल के 16 मैचों में पांड्या ने 44.66 की औसत से 191 के स्ट्राइक रेट से 402 रन बनाए थे, लेकिन अब जब विश्व कप शुरू होने वाला है तो भारतीय टीम को इस धुरंधर बल्लेबाज से तूफानी बल्लेबाजी की दरकार होगी। और अगर पांड्या विश्व कप में भी शानदार फॉर्म में रहे तो उम्मीद की जा सकती है कि भारतीय टीम फाइनल तक का सफर तय कर लेगी।